तो डिवाइन मस्कुलिन जैसे बिहेव करते हैं वो एक्चुअली हमारी सोच होती है, वो जो सामने जो है उस तरीके से वो हमें दिखा रहे होते हैं, बस उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये जर्नी को, और हम चाहते कि हमारे डिवाइन मस्कुलिन अच्छे से एक्सेप्ट करे और एक्सेप्टेंस मोड आ जाए उनमें हमारे लिए। आ रही थी इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ी सी जान आई है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत दिनों के बाद एक्चुअली आई हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि उसके पीछे भी एक रीज़न था। ओके, मेरे घर में एक तो दो शादियाँ थी, मेरी नहीं मतलब घर में किसी की शादियाँ थी, उसके बाद फिर मेरा शिफ्टिंग था, फिर वहाँ पे पूजा थी, फिर अनपैकिंग था, बहुत से गेस्ट आना जाना, कंटिन्यूटी सब कंटिन्यू चल ही रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं पूरी तरीके से पहले रिलैक्स हो जाऊँ, फिर उसके बाद ही जो है मेरे वीडियोज़ फिर से डालना शुरू करूँ, क्योंकि एक बार फिर मैं वीडियो डालूँ और फिर मैं काम में बिज़ी हो जाऊँगी, फिर गायब हो जाऊँगी। बेटर सोचा कि सारा सेट कर दूँ, उसके बाद ही जो है वीडियो डालना शुरू करूँ। ऊपर से मुझे मेडिटेशन करने के लिए भी समय नहीं मिल रहा था, अगर मिल भी रहा था तो भी इतनी मैं पावरफुल नहीं कर पा रही थी जिससे मुझे कोई इन्विटेशन हो या मेरी कोई डाउनलोडिंग्स हो जिससे मैं वीडियो मेरी डाल सकूँ और मेरी प्यारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेजेस कुछ ला सकूँ, है ना। क्योंकि मेरी जो नॉर्मली वीडियोस होते हैं, मैंने पहले भी कहा ये डाउनलोडिंग वीडियो होती है, तो ये ऐसे मैं उठ के ऐसे कुछ भी नहीं डालती, तो मेरा ना कभी मेडिटेशन सीधा हो पाया ना मेरे ऐसी कोई डाउनलोडिंग हो पाई, तो इसकी वजह से मैं जो हूँ बिल्कुल भी वीडियो नहीं ला पाई। अब जो भी था ये सब रहा, ठीक है। अब मुझे मेरी प्यारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन से ये बात करनी है कि इन दिनों मुझे जो भी मैसेजेस मिले या जो भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत से डिवाइन फेमिनिन जो रेगुलर भी है मेरे साथ या हमेशा रही है साथ में, मैंने उन्हें पाया कि कहीं ना कहीं वो जो है ना अभी थोड़ी सी जो है अपसेट सी हो रही है ये जर्नी को लेके, या थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, नर्वस हो रही है, या उन्हें लग रहा है कि ये जर्नी छोड़ के मैं कहीं भाग जाऊँ। तो क्या मैं सच में वो वाली मेरी डिवाइन फेमिनिन को यही पूछना चाहूँगी कि क्या आप सच में ये जो सारी चीज़ें सोच रहे हो, या दिल से आप ये सोच रहे हो, या ऊपर ऊपर के सिर्फ एक होता है ना एंगर इशू काइंड ऑफ, तो इसकी वजह से आपके मन में आ रहा है। क्योंकि आपने देखा है बचपन से अब तक के आपके साथ साथ डिवाइन मस्कुलिन भी, ठीक है, दोनों के ये होता रहता है। क्या कभी इतनी हमने लाइफ में खुशी पाई होती है जो हमारे डिवाइन मस्कुलिन या हमारे काउंटर पार्ट हमारे लाइफ में आते, या डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में जब से आई है, या डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में जब से आई है, तब से जो चलो आपकी तरफ से मैं उथल पुथल वर्ड यूज़ करूँगी, लेकिन जब से तब से वो उथल पुथल वर्ड निकाल के अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो लाइफ जो चेंज हुआ है, जो मोमेंट ये आया है लाइफ में, या जो हम कर रहे हैं, या जो सोचने की क्षमता हमारे अंदर जो आई हुई है, या हमारे इस बेजान से लाइफ में या शरीर में जो ये जान आई है रिश्ते की वजह से, क्या यह रिश्ता सच में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट या थोड़ा सा भी हम्बलनेस डिज़र्व नहीं करता? क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन जो है ये रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है। मैं यही कहूँगी कि हम लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं वही जो है हम सामने पाते हैं। अब ये कैसे पाते हैं, पहले भी मैंने कहा है कि हमारी जो सोच होती है 5D में, या हम इनर कोर पे जो सोचते हैं, 3D में हम जो है डिवाइन मस्कुलिन को पाते हैं। अब हमें देखना है कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन जैसे बिहेव करते हैं वो एक्चुअली हमारी सोच होती है, वो जो सामने जो है उस तरीके से वो हमें दिखा रहे होते हैं, बस उसे हमने देखना है। इनर कोर जाके हमने वो चीज़ जो है जो हमें वो ट्रिगर हुआ है वो हमने उसके ऊपर जो है काम करना होता है, उस चीज़ों को हमने हील करना होता है, वो वुंड्स को हमें जो है पूरी तरीके से क्या बोलते हैं ना खारिज करना होता है, जो भी पेन है उसे हमने पूरी तरीके से निकालना होता है। क्योंकि हमेशा देखना हर एक ट्रिगर जो होता है नया ही होता है। अब आप चाहो ना चाहो ये जर्नी को आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये जर्नी से आप भागना चाहो ना चाहो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिवाइन को। जो आपका वर्क है या जो आपसे करवाया जाएगा वो पहले से लिखित है, वो होगा ही। तो क्या हम रोते बिलखते ऐसे ही रहने से अच्छा क्या पॉजिटिव वे सोच के हम ये जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये जर्नी को, और हम चाहते कि हमारे डिवाइन मस्कुलिन अच्छे से एक्सेप्ट करे और एक्सेप्टेंस मोड आ जाए उनमें हमारे लिए। भाई हम ही जो है हमारी जर्नी के लिए ठीक है, देखा मनाया माने नहीं, डिवाइन मस्कुलिन तो बस कुछ अलग ही सोच रहे हैं कि हमने सच में एक्सेप्ट करी ये जर्नी, हम आए हैं एक्सेप्टेंस मोड पर, हम ही नहीं हैं इनर कोर पे, तो हमारे डिवाइन मस्कुलिन 3D में क्या दिखाएंगे?
तो बस मैं वही मेरी और डिवाइन फेमिनिन की कहूँगी, यार बी पॉजिटिव। मैं देख रही हूँ क्योंकि जो भी हो रहा है, देखो ट्रिगर, हर एक ट्रिगर जो होता है ना, नया ट्रिगर आता है, पुराना ट्रिगर कभी भी रिपीट नहीं होता अपनी जर्नी में। हम एक एक वन बाय वन जो है ना स्टेप्स, पड़ाव जो कहते हैं, वो हम क्रॉस करते जाते हैं, ठीक है। और जो भी आता रहता है ट्रिगर, वो नया होता है, हमें उसे हील करके हमें आगे बढ़ना रहता है। हमें हर एक जो है फेस से गुजरना पड़ता है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। हम वही पढ़ भी रहे हैं, हमारी इच्छा हो ना हो, हम उसे फेस भी कर रहे हैं, तो रोते धोते कर रहे हैं, उससे अच्छा हम पॉजिटिव वे करेंगे, उससे अच्छा हम हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी जो है वो हाई पे रखने की कोशिश करेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द हील हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप जो हो ये पेन को बुरी तरीके से मतलब निकाल ही दो, भले पेन में हो अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर आप दिखाओ कि हाँ आई एम सो हैप्पी, नहीं। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि आप जो पछता रहे हो या जो भी पछता मतलब जो जिस चीज़ों के लिए कोस रहे हो, मत करो, ये बी हैप्पी यार, बहुत ही लाइफ ना। मैं हम बहुत मेरी फेवरेट वाली डिवाइन फेमिनिन है, उन्हें हमेशा मैं कहती हूँ जब भी वो मुझसे बात करती है, कि वैसे भी हमारी लाइफ लाइफलेस जा रही थी, इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ी सी जा नहीं है ना जीवन में, थोड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आप पाओगे ना, बहुत मतलब आप इमेजिन भी नहीं करोगे, उतनी सुंदर होगी। अब हमें सोचना नहीं ये कब होगा क्या होगा, डिवाइन टाइमिंग एक बात होती है, जब हम दोनों भी, जब डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों भी एक टाइमलाइन में आते हैं, एक सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी में आते हैं, अपने आप डिवाइन सारा काम कर जाते हैं। बस हमें वहाँ तक आने के लिए जो करना होता है, स्ट्रगल जो गहरो या इनर वर्क कहो या हीलिंग कहो, जो करना होता है वो बस हमें करना रहता है। बिल्कुल भी हमने एज अ ऑडियंस बन के देख से अच्छा ना, परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर होके परफॉर्म करते जाइए, उसका रिजल्ट जैसे आना होगा वो ज़रूर आएगा, क्योंकि हर एक जर्नी का रिजल्ट जो रहता है पॉजिटिव ही होता है, और हमारी पर्सनालिटी सबसे डिफरेंट हो ही जाती है और हो भी रही है। जो आप कल थे कि आप आज हो, आपको लग रहा है जैसे आज हो, आप कल होंगे नहीं होंगे, और आगे बढ़े गए होंगे हर चीज़ों के से, है ना। तो चलो, आज की मेरी ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं जो हूँ डेली आऊँगी, मेरी करंट एनर्जीज के साथ आऊँगी, डाउनलोड वीडियोस के साथ आऊँगी, कोई भी मैसेजेस होगा डिवाइन का वो लेके आऊँगी। तब तक कि बी पॉजिटिव यार, हम लोग बहुत लकी है, पता है हमें हमारी मिरर्स दिखी है, नहीं तो मिलियन ट्रिलियंस में लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये जर्नी के बारे में, लेकिन हमें पता चल गया है। तो आपने जो है बिल्कुल ग्रैटिट्यूड पे करते रहना चाहिए, हमें मिली है जर्नी, उसकी ग्रैटिट्यूड पे से बजाय हमें क्यों मिली बस कोसते जा रहे। तो डिवाइन भी कहेंगे कि मैं क्या करूँ इसका, कुछ नहीं करेंगे, डिवाइन को जो करना है वो करते रहेंगे, और हमें जो है हमारी जर्नी में आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचो, हम आपके डिवाइन मस्कुलिन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी, आप मेरी चीज़ों को सहमत हुए होंगे, अगर हुए भी होंगे तो प्लीज़ मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगी। और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।